हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू द चैनल ट्रेडिंग फाउंटेन। मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इधर, तो मैं बाय करूंगा 29,330 पे। ओके, एक लॉट ही बाय करूंगा मैं आज। ओके, ऑर्डर प्लेस वॉच हो चुका है, ऑर्डर कंप्लीट भी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट में जाके देखेंगे। ओके, बैंक निफ्टी के चार्ट में आई मिनट कैंडल, तो इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है प्लेस करने वाले हैं, एक सेकेंड, वो ये लेवल का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 200 एंड अप्रोक्सीमेटली या 239 का रहेगा, 238, 239, नहीं तो 214 का रख देंगे। ठीक है, पोजीशंस, एग्जिट एग्जिट SLM एंड 214 214 सॉरी 214 SLM पे प्लेस कर देंगे, 214 पे। ओके, ऑर्डर इज प्लेस्ड। अभी हम टारगेट का भी प्लान कर देंगे। टारगेट जो है फिलहाल, अभी इधर लॉन्ग पोजीशन में जाके देखने के बाद हमको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी देखना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से जो है मेरा जो रिस्क है तो 100 पॉइंट्स का रहेगा। एक सेकेंड, लॉन्ग पोजीशन मैंने जो बाय किया है वो बाय किया है 29:30 पे, 30 को। ओके, ये लेवल पे मैंने बाय किया है, तो मेरा जो रिस्क है वो 29:14 का है। ओके, ए लेवल का रिस्क है, तो उसके अगेंस्ट में मुझे प्रॉफिट जो लेना है वो 1:1.2, ए लेवल का तो लेना ही पड़ेगा, 29,463। ओके, तो इसको एग्जिट करके टारगेट ऑर्डर भी लगा देंगे, एग्जिट लिमिट 29,463। ओके, 29,463 अभी जो है टारगेट ऑर्डर भी मेरा प्लेस हो चुका है। तो आप देख सकते हो फिलहाल 400 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है, तो आप ट्रेड ख़त्म होने दीजिए। आज मैंने थोड़ा लेट एंट्री किया है, अराउंड 2:20 को एंट्री किया है। तो आप इधर देख सकते हो मार्केट जो है वो सुबह से कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड के पोजीशन में आपको दिखेगा। ये जो है मिनिमाइज करूँगा तो आपको दिखेगा, ये देखिए मार्केट जो कल जो ओपन हुआ था अप होके एक बिग रेड कैंडल बनाया, उसके बाद में एक अप मूव, एक रिट्रेसमेंट अप मूव, एक बिग फॉल है। देखिए अभी मैंने ये पोजीशन पे बाय कर लिया है, तो आपको बाइंग का रीज़न भी मैं बता दूंगा क्यों मैंने मार्केट के अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। तो आप पहले ट्रेड ख़त्म होने दीजिए, अभी फ़िलहाल एक कॉस्ट के नियर बाई चल रहा है मेरा ट्रेड, तो ट्रेड को पहले ख़त्म होने दीजिए। मैं आपको पूरा जो है जो सेटअप है मार्केट का सेटअप, आज जो लिया मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है वो पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अभी जो 300-400 लॉस भी दिखा रहा है तो वेट कीजिए, कॉस्ट के नियर बाई चल रहा है, वेट कीजिए। आज मैंने मार्केट में थोड़ा सा लेट एंट्री किया हुआ है, क्योंकि आज सुबह से थोड़ा मैं मॉर्निंग से थोड़ा बिजी था। तो आप देख सकते हो एट 2:30 को मैंने जो मेरा ऑर्डर जो है प्लेस किया है, मैंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है मुझे लगता है, तो लगेगा कि ये मेरा टारगेट जो है आज इजीली अचीव हो जाएगा। अभी फिलहाल 800-900 के पास, 1000-1000 के पास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अब देख सकते हो मेरा जो टारगेट है, टारगेट इज 463। देखिए फिलहाल अभी 388 के आसपास चल रहा है, 400 के आसपास मेरा जो टारगेट रहेगा वो 29,463। अगर मार्केट जो है अगर ए लेवल को क्रॉस कर देगा, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये जो लेवल है इसको क्रॉस कर देगा, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है अभी फिलहाल 29,214 पे पड़ा है, ए लेवल पे पड़ा है, उसको मैं ट्रेल करके थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा, जिसके वजह से मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो देखेंगे फिलहाल अभी 400 को भी इसने क्रॉस कर दिया है, 29,4 इधर देखिए आप, 29,401,405 के आसपास है, और मेरा जो टारगेट है वो 29,463 है, इंटैक्ट है।
और मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 1500 1600 के आसपास चल रहा है। बाय द वे आपको मैं एक दिखा देता हूँ, बहुत लोग टेक्स्ट करके पूछ रहे थे कि एक लॉट बाय या सेल करने के लिए कितना मार्जिन लगेगा, तो आपको दिखा देता हूँ मैं जेरोदा मार्जिन कैलकुलेटर पे। जेरोदा मार्जिन कैलकुलेटर ओके, इस पे आप जाओगे तो फ्यूचर, ठीक है इसमें ही जाएंगे ओके। इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी फ्यूचर्स में आप नीचे जाओगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो इधर देख सकते हो आप। सॉरी, एफ एंड ओ में जाना है आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप फ्यूचर डालिए। इधर इधर जो है बैंक निफ्टी 31st of December क्वांटिटी 25, बाय करना है तो बाय डाल दीजिए, सेल करना है तो सेल डाल दीजिए, दोनों एक ही रहेगा। तो उसके अगेंस्ट जो है आप ऐड करने के बाद में आपको दिखेगा, आपको एक लॉट बाय या सेल करने के लिए आपको आपके पास 1,58,435 रुपीज़ चाहिए आपके अकाउंट में। लेकिन अगर आप ये NRML ऑर्डर में है, मतलब होल्डिंग्स ऑर्डर में ले रहे हो, होल्डिंग पोजीशन में अगर आप ले रहे हो, तो आपको 1,58,435 रुपीज़ की ज़रूरत है। अगर आप MIS में ले रहे हो तो कितना मार्जिन लगेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। टोटल मार्जिन इधर देखिए, इधर आने के बाद आपको MIS BOCO, ठीक है, तो आप देखिए इधर इक्विटी में जो है वो 50% ऑफ द VR प्लस ELM प्लस एडॉक मैंडेट, ठीक है इसको जाने दीजिए। इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए 25% ऑफ दी NRML मार्जिन, तो कैलकुलेट करके देखेंगे हम अभी। 1,58,000 इंटू 0.27, हमको एक लॉट बाय करने के लिए 42,000 की ज़रूरत है। अगर वही हम जो है हम जो हमने जो कवर ऑर्डर में बाय किया समझो, तो भी 27% ही लगेगा, इन्होंने बढ़ा दिया है मार्जिन एक्चुअली कल से। एक्चुअली 38% था ये जो है, 38% ऑफ NRML मार्जिन था। 1 दिसंबर से जो मार्जिन रूल्स है वो चेंज हो चुके हैं, सेबी ने चेंज किया है, तो आप देख सकते हो 42,000 में एक लॉट आप इजीली बाय कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो मैं और मेरे कॉस्ट के आसपास आ चुका है। देखिए जो रेड कैंडल हुआ है नियर बाय मेरे कॉस्ट के आसपास आ चुका है, हम पेशेंसली वेट करेंगे, हमको या स्टॉप लॉस देना है या टारगेट तक हमको पेशेंसली वेट करना है, हम बीच में एग्जिट नहीं करने वाले हैं। अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में चला जाएगा तो हम लोग वेट करेंगे कि स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करे और हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है उसको मिनिमाइज करे, ठीक है, तो पेशेंसली वेट करेंगे। तो आप लोगों को पता ही रहेगा मेरा जो आज एंट्री हुआ है थोड़ा लेट हुआ है, आप देख सकते हो टाइम भी अभी 2:38 के आसपास चल रहा है। तो ठीक है, अभी जो है हमने टारगेट जो रखा है मोर देन 100 पॉइंट्स का है, तो हम लोग वेट करेंगे, अराउंड 315 के अंदर ही हमारा जो है टारगेट अचीव हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। फिलहाल अभी 1400 1500 का प्रॉफिट जो है वो चल रहा है, आप देख सकते हो 29,420 को लेवल को भी ये ब्रेक कर चुका है। हमारा अभी जो टारगेट है वो 20 पॉइंट से बचा हुआ है बस, 463 को हमारा जो टारगेट है, आप देख सकते हो अभी जो है मार्केट ने जो है, एक सेकेंड हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, एक बड़ा मूवमेंट था मार्केट में 29,418, और हमारा जो स्टॉप टारगेट जो है वो 463 को इंटैक्ट है, ठीक है। हम लोग वेट करने वाले हैं, अभी देखिए फिलहाल अभी जो प्रॉफिट है वो 2000 के आसपास मेरा चल रहा है। जो है इधर ये जो लेवल पे है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, उसके बाद में जो है एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो ए लेवल पे जो है, ए लेवल पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस पड़े रहेंगे, वो लोगों को हिट करने के लिए मार्केट इजीली एक बिग मोमेंट इधर से दिखा सकता है, ये जो मोमेंट है इधर से एक बिग मोमेंट दिखा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो टाइम है वो ज़्यादा बचा नहीं है, 2:40 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो भी हम वेट करेंगे। अभी आप देख सकते हो 2600 के आसपास 3000 के आसपास मेरा जो है प्रॉफिट चल रहा है,
मैंने जो टारगेट प्लेस किया हुआ है 463 का है, और फाइनली मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, और आज के लेवल में मैंने बुक किया है 3,325 रुपीज़। पहले जाके ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल ऑर्डर, ठीक है, रिफ्रेश भी कर देंगे, ठीक है, ओके, 3,325 रुपीज़ आज के दिन में मैंने बुक किया है। तो मैं आपको बताऊंगा, मार्केट ने जो है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो आप देख सकते हो ये जो 2 तारीख का जो कैंडल है, इधर जो मार्केट ओपन हुआ था, ए लेवल को मार्केट ओपन हुआ, होने के बाद एक रेड कैंडल, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद में एक फॉल, उसके बाद में एक छोटा रिट्रेसमेंट, उसके बाद में फॉल, मार्केट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। तो सुबह से मैं मार्केट को देख रहा था, लेकिन मुझे ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं मिला, इधर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे। दिस वॉज अ ब्रेक डाउन, ये जो इधर भी देख सकते हो, दिस वॉज अ ब्रेक डाउन, ये जो ब्रेक डाउन है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, लेकिन मैं उसको ग्रैब नहीं कर पाया। तो फाइनली मुझे एट टाइमिंग बता देता हूँ, मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था एट 2:23, तो ये टाइम पे मैंने जो मेरा आज का ट्रेड है वो बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया था 14:23 पे। तो इसको डिलीट कर देंगे पहला। तो मैंने जो ऑर्डर प्लेस करने का रीज़न था, तो आप उसको मैं 15 मिनट्स के कैंडल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये देखिए, आपको एक क्लियर सपोर्ट लेवल दिखेगा ए लेवल पे। अगर मैं ट्रेंड लाइन ज्वाइन करूँगा, ये ट्रेंड लाइन पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा, ये देखिए एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये सपोर्ट का जो है मैंने आज एडवांटेज लिया था। तो मार्केट है सुबह से एक डाउन ट्रेंड में, मार्केट जो एक्ट कर रहा था इधर से एक डाउन फॉल, मैं वेट कर रहा था कि ये लेवल को जो है, ये सपोर्ट जो लेवल है, ये लेवल को अगर ब्रेक करना भी चाहे मार्केट, तो इतने एक बड़े बिग डाउनफॉल के बाद अभी भी टाइम भी बचा नहीं हुआ था, तो इतने छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ए सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर पाएगा। तो इसीलिए मैं फाइंड कर रहा था कि एक अगर ए लेवल को मार्केट से अगर सपोर्ट ले रहा है, तो मैं एक बाय सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा तो मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वन सेकेंड, तो आप देख सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में ये जो लेवल है, मैं छोटे लेवल के टाइम फ्रेम की आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, तो इधर एक क्लियर ब्रेकआउट आपको दिखेगा ए लेवल पे, क्लियर एक ब्रेकआउट दिखेगा, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्लियर ब्रेकआउट है। उसके बाद में ये जो कैंडल बना है रेड कैंडल, तो मेरा जो टाइम था 2:23 था, तो ये जो टाइम है वो भी 2:23 है, ये देखिए 2:23 2:24, आप नीचे टाइम देख सकते हो 2:24, जो ए लेवल पे मैंने मेरा जो ऑर्डर, आज का जो ऑर्डर है ए लेवल पे मैंने प्लेस कर दिया। टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो था मेरा आज का, तो वो जो है आज का जो लेवल बनाया था मार्केट ने, दिखाता हूँ मैं आपको, ओके, तो ये जो लेवल का मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया था, जो लो किया था मार्केट ने, और उसके अगेंस्ट में जो है ए लेवल का मैंने टारगेट जो प्लेस कर दिया। तो ईजिली आप ये ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हो टारगेट मेरा जो है इधर इजीली अचीव हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेड। होप आपको जो है मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आया रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। अगर आप मेरा वीडियो को सीरियसली लाइक करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट भी कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप देख सकते हो आज के दिन में मैंने बुक किया है 3,325 रुपीस। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।